हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया हो। माय यूट्यूब चैनल MS ब्यूटी मेकओवर। आज मैं लाई हूँ गाइस आपके लिए ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप करने से पहले मैंने फेस पे क्लीनिंग कर ली है। क्लीनिंग की भी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और अब क्लीनिंग करने के बाद मैं मेरा ब्राइडल का जो स्किन थी वो डार्क थी थोड़ी सी, तो सबसे पहले क्लीनिंग करने के बाद हम लोग अच्छे से मॉइस्चराइज़र कवर कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़र के बाद हम लोग सीरम लगा लेते हैं। सीरम के बाद अब हम लोग ने लगाया है स्विच ब्यूटी का प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद मैंने आईज़ पे लगाया है कंसीलर ओलिविया का, और ये बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ आईब्रोज़ को डिफाइन। इंग्लेट की जेल लाइनर मेरे पास है तो मैं वो कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा मैंने किया हुआ है। और आईब्रोज़ पैलेट है मेरे पास तो उससे भी मैं आईब्रोज़ को डिफाइन करती हूँ। तो एक मैंने डिफ़ाइन कर ली थी, दूसरी मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने वीडियो को हल्का फास्ट कर दिया है क्योंकि आज के समय में इतना टाइम कोई देता नहीं है और थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं। ये मेरे पास आईब्रोज़ पैलेट है जिसकी हेल्प से मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। और इनका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क था, इन्होंने कुछ भी नहीं कराया था, फिर भी मैंने इनको सजेस्ट किया था। और अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद मैं लगा लूँगी आईज़ में काजल। काजल को डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद मैं आईज़ का लुक क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है लाइट रेड कलर और उसको अच्छे से मर्ज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कलर लिया था, उसको भी मैं ब्रश की हेल्प से मर्ज कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने मर्ज किया हुआ है इनकी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क शेड डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से, हल्का हल्का मर्ज करके मैंने टैप टैप करके मैंने थोड़ा सा डार्क कलर भी दिया है इसमें ब्लैकनेस। और इनका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, आईज़ लुक बहुत अच्छा ही ये लेके आई थी कि मुझे इस टाइप का ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने इनके इस टाइप का इनके इन्होंने जो लुक बताया था मुझे मैंने वही किया था। इनको थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए था। कट क्रीज कर रही हूँ इसको, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा कट क्रीज को। इस तरीके से मैंने कंसीलर से इनका कट क्रीज बनाया हुआ है। और ये मैं कंसीलर क्या बोलूँ, कैरलॉन का पेन स्टिक है हमारा, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इनका कट क्रीज इस तरफ का रेडी हो गया है। अब इस तरफ भी मैं कट क्रीज बना लूँगी। ब्रश है जो हमारा बिल्कुल पतला हो जिससे कि कट क्रीज बहुत ही अच्छे से आती है हमारी। और अगर हम कट क्रीज बनाना सीख जाते हैं तो आई लुक बहुत ही प्यारे प्यारे मैं दे सकती हूँ। ये मुझे आना चाहिए और बहुत ही अच्छे से, जिससे कि आई लुक दे सकूँ। छोटी छोटी आईज़ होती हैं, उन पे कैसे कट क्रीज बनाना, किस तरीके से डिफ़ाइन करना। उसके बाद मैंने गोल्डन शेड स्प्रे दिया हुआ है, जो कट क्रीज बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा साइड शेड में गोल्डन शेड दे दिया था। और अब लगा रही हूँ मैं कॉम्पैक्ट हल्का सा पैक करके। फिर मैंने लगा लिया है उनके हाइस, थोड़ा सा मैंने ग्लिटर लगाया हुआ है आइस पे, और बिल्कुल आइस के लास्ट आगे मैंने हाइलाइटर को लगा दिया था लाइट कलर का। और इनकी आई लुक बहुत ही सुंदर लग रही थी, ग्लिटर भी मैंने लगाया इस तरीके से, देखिए मैंने ग्लिटर लगाया। और ये मेरे पास ग्लिटरिंग लाइनर था, ये मैंने कर दिया था, इससे और डिफाइंड कर दिया था, तो इससे आई लुक इनका और ही सुंदर आ गया था। बहुत सुंदर आई लुक लग रहा था गाइस, और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, कोई इनको पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो वही हैं, कि इतनी सुंदर ये दिख रही थी, प्रिटी दिख रही थी। और इनको इनका मेकअप बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं लगा रही हूँ जेल लाइनर इंग्लैंड का, बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग कवरेज देता है ये, और ये बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। देखिए हम लोग बहुत ही पतली ब्रश से इसको डिफाइन कर रहे हैं, और ये बाद में मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा मर्ज कर दिया है। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि
उसके बाद हम लोग लाइन लगा देते तो हमारा ये लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग लगा देंगे फेक आईब्रोज, और उसके बाद मैंने लगा दिया है काजल, आईज काजल। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कैरलॉन का डर्मा 303 सेड, और ये कंसीलर पैलेट से लिया है मैंने, और ये बहुत अच्छा था। ये मैंने हल्का हल्का थोड़ा सा सभी जगह लगा दिया है इस तरीके से, देखिए। इनकी स्किन बहुत डार्कनेस थी, और इनका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था इनको। और कभी कभी हमारे पास कई प्रकार की क्लाइंट्स आ जाती हैं, और मुझे कैसे उनका मेकअप करना है ये मुझे करना होता है। तो मैंने इसके बाद एक फाउंडेशन बनाया था, जिससे कि इनका जो बेस है वो ओवरऑल तैयार हो जाए। वो उसकी भी वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी आपके पास। और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, ये मैंने उसे थोड़ा सा लाइट दी, और उसके बाद मैंने कट क्रीज किया हुआ है डार्क शेड से ही, डर्मा की पैलेट से। और इस तरीके से देखिए, मैंने फिंगर की हेल्प से मैंने इनको किया हुआ, मैं फिंगर भी और सारी चीज़ें ब्रश से भी, और मैं सारी चीज़ों से भी यूज़ कर लेती हूँ। मुझे जो जल्दी से अच्छा लगता है मैं वो कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं डिफाइन, और ये देखिए डैब डैब कर रही हूँ मैं, इस तरीके से डैब डैब करिए बिल्कुल हल्का हल्का, नहीं तो बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल चला जाएगा आपका ये चीज़ जो हमने कॉन्टोर किया हुआ है इस तरीके से। ये देखिए मैंने बनाया हुआ था फाउंडेशन को, और ये मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी आपके लिए। और इस तरीके से ये मैंने हाईलाइट एरिया किया हुआ है, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की एरिया करनी थी वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट कर लिया है स्किन में। इस तरीके से डैप 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 करके, जितनी अच्छे से डैप डैप कर देंगे आप स्किन में उतना ही अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा हमारा, और ये फुल कवरेज देगा हमारा, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा हमारी स्किन पे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से इनका ओवरऑल हो गया। अब मैं लगा रही हूँ HD कॉम्पैक्ट लोरोमसिया का पाउडर, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है हमारा, HD है। इस तरीके से मैंने लगा दिया है कट कट, जहाँ जहाँ मैंने कलर कंट्रोल किया था उसके नीचे। अब मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, हल्का लाइट और दो शेड मैंने मिला के ब्राउज़र किया हुआ है। ये इस तरीके से मैंने कर दिया इनके। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ स्किन पे। ये देखिए गाइस कितनी सुंदर दिख रही हैं। और ये मैं नीचे नीचे इनकी आईज़ पे थोड़ा थोड़ा सा रेड शेड दे रही हूँ, इससे और अच्छी हमारा लुक आईज़ का हो जाता है। और उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाया था इसके नीचे, बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि इनको ज़्यादा काजल नहीं चाहिए था। ओवरऑल मेरा बेस हो गया है, और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, एंड रेड लिपस्टिक लगा रही थी, इनको रेड चाहिए थी। मैंने इनको थोड़ा सा लाइट बोली थी, पर इनको रेड ही इनको पसंद थी, इसलिए मैंने रेड शेड लगाया है, क्योंकि जो जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी मैंने वही उनको दी है। ज़रूरी नहीं होता है कभी कभी कि हम जो बताएं वही चीज़ हो, जो उसको अच्छा लगे वो भी मुझे कर दे करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा क्लाइंट भी। इस तरीके से हमारी होगी। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये लगा दिया था, तो इनकी लॉन्ग लास्टिंग तक रही है। इसके बाद मैंने मस्कारा लगाया है आईज पे। ये देखिए ओवरऑल मेकअप इनका इस तरीके का था। गाइस आपको ये अच्छा लगे मेरा मेकअप, वैसे मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बाय गाइस। ये देख